An organization called Takdal on Saturday held a rally of senior citizens at the historic Kongjom War Memorial Site in Dobal District, requesting the President of India to visit the crisis hit state. Thousands of people, mostly senior citizens, reached the site and paid floral tributes to people who lost their lives in the violence. Protesters said they were fed up with the silence and inactivity of Prime Minister Narendra Modi and urged the President to visit at least once. An open letter with their demands was also written to the President. मेरा नाम लेनिना है. मैं तकदाल थौबाल में सुनकम सिंह डिस्ट्रिक्ट अपन बल्लूप करके एक एसोसिएशन है, उसका वुमेन कोऑर्डिनेटर है. ये जो रैली हो रहा है ये हमारा दोनों डिस्ट्रिक्ट का है. ये तो थौबाल और कलचिंग, ये दो डिस्ट्रिक्ट है. दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो सीनियर सिटीजन्स लोग थे उन लोगों का एक रिक्वेस्ट था हमारे एसोसिएशन में. उन लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि उन लोगों का एक ये संघ मतलब एक मीटिंग बुलाइए ताकि वो लोग हमारा जो राष्ट्रपति है उसको कुछ मेमोरेंडम एक बात रख सके. और दूसरा ये है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हमारा जो राजनाथ सर राजनाथ है उसको उन लोग कुछ रिक्वेस्ट कर सकें. वही वैसे से ये रैली ऑर्गेनाइज किया था. और रैली जो शुरू हुआ था ये खोंगजोम बाज़ार से शुरू हुआ था और ये यहाँ पर जो एंड पॉइंट है अराइवल जो है ये खोंगजोम का खे बचिंग करके है. ये हमारे पुराने ये हिस्टोरिक एक एरिया है. रैली वैसे जो हमारा बुजुर्ग लोग है जो सीनियर सिटीजन लोग है उन लोगों का कहना ये है कि जो ये जो इंसिडेंट है अनवांटेड इंसिडेंट है ये 3 मई उससे शुरू हुआ था और अभी लेके आ गए. अभी आज ये अक्टूबर हो गया तो इन दोनों में से जितना भी रैली हो बहुत सारा रैली हो गया, एजिटेशन हो गया, सिटिंग प्रोटेस्ट हो गया पर कोई लाभ नहीं है. तो सीनियर सिटीजन का ये मानना है कि वो लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये मेमोरेंडम भी एक मेमोरेंडम भी सबमिट कर रहे हैं. वो लोगों का मानना ये है कि हमारा जो राष्ट्रपति जो श्रीमती मुर्मू जी है वो एक बार हमारे यहाँ पर आके ये सोल्यूशन देने के लिए एक बार ये देखे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है और कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं. आपने राष्ट्रपति को संबोधित किया तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं किया? प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारा मेमोरेंडम दे चुके हैं. बहुत सारा सीएसओ लोग ने सबमिट किया, बहुत सारा लोग ये कर रहे हैं. तो ये एज ए लोगों का ये ख्याल है कि राष्ट्रपति ही सही है, सही इंसान है जो उससे निवेदन करे. और दूसरा ये है कि हमारा जो डिफेंस का मिनिस्टर है श्री राजनाथ सर जी वो एक बार यहाँ पर आके सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दे के जो भी अपने अपने जगह से जो भाग के आया है जो भी मणिपुरी है अपना जगह को छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं उन लोगों का अपने अपने जगह में जाने में मदद करें, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दें क्योंकि एक भी मणिपुरी इधर उधर भाग के ना रहे. वही ये उन लोगों का ये मानना है, वही रिक्वेस्ट है. एक और मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है एज अ मदर, एक माँ होने के नाते मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम मुर्मू को एक बार मणिपुर में आइए, एक बार माँ होने के नाते एक बार देख लीजिए, अपने बच्चे लोगों को ऐसे मत छोड़िए, एक बार आके एक देश का माँ होके ऐसे चुपचाप मत देती है, एक बार आके हमारे यहाँ पर जो हो रहा है हम भी भारतवासी हैं मैडम, आप एक बार आके हमारा यहाँ का हालत सुलझाने के लिए एक बार आ जाइए, जितने जल्दी हो सके ये सोल्यूशन ला के हमारा पहले वाला जो स्थिति था जो पीस एंड नॉर्मल लाइफ वहाँ पर आने में आप मदद कीजिए मैडम. ये मेरा रिक्वेस्ट है.